and welcome. So in the today session we'll basically discuss simplification. So चलिए आइए start करते हैं session को. अगर video अच्छी लगे तो subscribe कर सकते हैं for more videos. देखिए इस question को देख के शायद आपको लगे कि question difficult है, but इसको मैं easy way में दिखाऊंगी आपको करके कैसे करना है. 1 + 1 / 10 + 1 / 10 multiply में 1 + 1 = 10 / 1 / 10 माइनस का बीच में साइन है, देन आप 1 - 1 / 10 + 1 / 10 सेम 1 - 1 / 10 + 1 / 10 लाइक और उसके बाद डिवाइड का साइन है, देन 1 + 1 / 10 + 1 / 10 एंड +1 - 1 / 10 / 1 / 10 लाइक इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया. और ये इसके 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 20 / 101 90 एंड 100 / 101 एंड 101 / 100. आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा. आप देख सकते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस प्लस का सब जगह फर्क है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है. तो आप देख सकते हैं ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट सेम सेम है, यानी कि ए और ए ये भी दोनों एक एक ही है. तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, उस केस में यहाँ साइन है बीच में माइनस का. बी और बी आप देख सकते हैं ये पूरा और ये पूरा ब्रैकेट माइनस माइनस के साथ बिल्कुल सेम सेम है, यानी कि हो जाएगा बी स्क्वायर. तो क्या होता है कि जब आपको पता है कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं सॉल्यूशन में, तो आप देख सकते हैं ऊपर आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. इस तरीके से ये पूरा आपका सॉल्व हो गया. डिवाइड का साइन है, यानी कि मैं अपॉन में आ जाती हूँ. और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी 1 + 1 / 10 सेम सेम ब्रैकेट है, बीच में आपका यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी कि बात करो ए, ये ए पार्ट है यहाँ पे प्लस वाला और ये माइनस का ये बी वाला पार्ट है. तो ए प्लस बी हो गया, यानी कि एक ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी. अब आप सबको पता ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी, ठीक है. और बीच में आप नीचे अपॉन में आपका ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी आपका कट जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी. तो ए माइनस बी जो आपका आंसर आया ना, यहाँ पर आप a माइनस बी को पुट करोगे तो a की वैल्यू बेसिकली ये है, दिस इज a, और अगर मैं बात करू b एंड दिस इज b बेसिकली, ठीक है. ये आपका a हो गया, ये b हो गया, तो यानी कि ये a और ये b, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में थोड़ी जगह कम है तो मैं आपको डायरेक्टली लिखकर दिखा रही हूँ a माइनस बी का. तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 1 + 1 / 10 + 1 / 10 लाइक दिस, और ये ब्रैकेट आ गया और उसके बाद माइनस का साइन है तो ये वाला आ जाएगा 1 - 1 / 10 + 1 / 10 लाइक दिस, ठीक है. ये एक ब्रैकेट आ गया, तो ये a माइनस बी आ गया. आप देख सकते हो a और माइनस बी, ये माइनस ए बी. अब आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसका अपना एलसीएम ले लो. तो हमने यही सीखा है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर हो सबसे पहले एलसीएम लेके इसको कवर अप करते हैं. तो 1 + आप लिखेंगे 1 और अपॉन में आपका यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 10. और आप देख सकते हो कि यहाँ 10 था, 1 के टेबल में 10 10 पर आता, तो 10 × 10 हो जाएगा 100 + 1, ठीक है. तो ये आपका ब्रैकेट यहाँ सॉल्व हो गया. सेम विद माइनस, और आप देख सकते हैं 1 - 1 / 10 इसका एलसीएम आ गया, 1 के टेबल में 10 10 पर आता है तो 10 10 सा हो जाएगा 100 + 1, ये भी एक ब्रैकेट आपका बन गया. अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि 1 + 1 / 10 में आपका हो जाएगा 101 / 10, राइट. और इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि साइन बीच में माइनस का है ना, इसलिए हम ब्रैकेट में रखेंगे. सेम इसको हम कर लेंगे 1 - 1 / 101 / 10 इस तरीके से. अब आपको एक बड़ी चीज पता होगी कि जब भी डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर हो तो हमेशा ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल होकर के डिनोमिनेटर वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन जाता है, यानी कि ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी. सेम इस तरीके से ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी. अब आप देख सकते हो 1 + हो जाएगा 10 / 101, ठीक है. इसको एक ब्रैकेट ले लेते हैं. माइनस इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा 1 - 10 / 101, ठीक है. ये एक ब्रैकेट बन गया. अब आपको क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट ओपन करना. तो माइनस का साइन क्योंकि बाहर है तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो देखिए मैं इसको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ. 1 / 1 कर लो आप, चाहे आपकी मर्जी है 1 रहने दो, ठीक है. 10 / में हो जाएगा 101, ठीक है. और माइनस का साइन है तो ये वाला 1 जो प्लस में था वो माइनस में हो गया और माइनस वाला जो साइन था अंदर प्लस में हो जाएगा 10 / 101. अब आप देख सकते हैं 1 की वैल्यूज कट गई आपस में क्योंकि ये एक माइनस में है ये 1 में, तो 1 - 1 बेसिकली 0 बन गया. आपके पास वैल्यू बची सिर्फ 10 / 101 + 10 / 101 क्योंकि न्यूमरेटर इसके सेम है.
तो आपको पता ही होगा कि फ्रैक्शंस यानी कि पी अपॉन क्यू की अगर मैं बात करूं, अगर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपल आपको न्यूमिनेटर को एडिशन करना है, 10 + 10 हो जाएगा 20/101 बेसिकली राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए 20/101 आपका ए ऑप्शन है। सो आई होप कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एक छोटी सी ट्रिक से क्लियर हो गया होगा, आइडेंटिफाई फॉर्मूला। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।